दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे करें कुंवारी स्त्री का वशीकरण? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्यशाली टोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अगर आप किसी कुंवारी स्त्री से प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो आपके सच्चे प्रेम को महसूस करे और आपसे भी सच्चा प्रेम करने लगे, तो आपको बताने जा रहे हैं आज हम एक अचूक टोटका। इसको करें और इसका चमत्कारिक प्रभाव मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 21 दिनों में। जी हाँ, कुंवारी स्त्री को वश में करने का टोटका है। याद रखें, इसको किसी भी गलत भावना के साथ, दुर्भावना के साथ, किसी से बदला लेने के लिए तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसका नुकसान आपको ही हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका है, चांदी की पायल को 21 दिन तक अपने मूत्र में शीशे या मिट्टी के पात्र में डुबोकर रखें। प्रातःकाल इस मूत्र को बदल दें। उसके बाद इस पायल को राख से साफ करें और किसी युवती को पहना दें। अगर वो इन्हें अपने पैरों में पहन लेती है तो आपका वशीकरण पूरा हो जाएगा। जी हाँ, वो स्त्री आपके प्यार में पड़ जाएगी और आपके वश में हो जाएगी। टोटका नंबर 2 है, युवती के बाल अगर आपको मिल जाए तो आप काली मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने बालों के साथ लेकर उसे जला दें। इस वशीकरण टोटके का प्रभाव 11 से 21 दिनों में मिलने लगता है। और दोस्तों, तीसरा है, कमल पत्र पर गुरुचन से साध्य स्त्री का नाम लिखें और गुरुचन का तिलक शनिवार को लगाएं। वो स्त्री आपके वश में हो जाएगी। आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके देख सकते हैं। इससे आप आसानी से किसी भी कुंवारी स्त्री को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और क्लिक करें बेल आइकन पर रोचक और भाग्यशाली टोटकों से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए भाग्यशाली टोटके के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।